नमस्कार। देश पर कहर बनकर टूट रही कोरोना की दूसरी लहर लगातार लोगों को मौत की नींद सुला रही है। क्या आम क्या खास, ये महामारी ऐसी है जो गरीब से लेकर पैसे वाले अमीरों तक को नहीं बख्श रही है। जहां यूपी में इस खतरनाक वायरस ने तो पिछले कुछ दिनों में सीएम योगी के चार विधायकों को मौत की नींद सुला दी, तो वहीं लगातार हो रही विधायकों की मौत के बीच सोशल मीडिया पर यह अफवाह उड़ गई कि कानपुर से बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी का भी कोरोना से निधन हो गया। यह अफवाह जैसे ही सोशल मीडिया पर उड़ी, बेचारे सांसद जी को खुद सामने आकर कहना पड़ा कि मैं जिंदा हूं। दरअसल ये कोरोना वायरस इतना खतरनाक हो गया है कि लोगों को जरा सा जुकाम हो रहा है तो दिल धक धक करने लगा है। यहां तक कि कुछ शरारती तत्व लोगों की मौत की अफवाह उड़ाने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। हाल ही में यह अफवाह उड़ी कि कोरोना से अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की मौत हो गई। हालांकि बाद में यह खबर फर्जी निकली, तो अब कोरोना से लगातार हो रही बीजेपी विधायकों की मौत के बीच किसी ने कानपुर से बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी की कोरोना से निधन की अफवाह उड़ा दी, जिस पर सफाई देते हुए खुद सत्यदेव पचौरी ने एक वीडियो जारी कर कहा, अभी हम जिंदा हैं। सब चिंतक बंधु और सुजन, मुझे आज सोशल मीडिया के माध्यम से और कुछ मेरे सब चिंतकों ने मेरे फोन पे जानकारी दी कि आपके बारे में सोशल मीडिया पे कुछ भ्रांति फैलाई जा रही है कि आपका निधन हो गया। मित्रों, हो सकता है ये कुछ दुर्घटनावश ऐसी खबर चल गई हो। मैं किसी को इसके लिए अनावश्यक रूप से आरोपित नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपने सुचिंतकों को और समर्थकों को और जिन्होंने फोन किए उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से अवगत कराना चाहती हूँ कि मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, अपने कामों में लगा हुआ हूँ, जनता की सेवा कर रहा हूँ और आज मेरी पत्नी का 71वां जन्मदिन है। मैं सायंकाल उनके साथ उनका जन्मदिन भी मनाऊंगा और मैं प्रसन्न से हूँ। आपने जो हमारे लिए चिंता प्रकट की, जो हृदय में आपके लिए मेरे प्रति संवेदनाएं, उसके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। बता दें, इससे पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता और सांसद शशि थरूर ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और बीजेपी सांसद रही सुमित्रा महाजन की कोरोना से निधन की अफवाह उड़ा दी थी। शशि थरूर के साथ साथ एनसीपी नेता शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले तक ने सुमित्रा महाजन के निधन की खबर पर दुख जता दिया था। हालांकि जब मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने खुद ये बात बताई कि सुमित्रा महाजन बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो कांग्रेस नेता शशि थरूर को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा। कुछ ही देर बाद खुद सुमित्रा महाजन ने भी बयान जारी कर बताया था कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आपको बता दें, यूपी में अब तक चार बीजेपी विधायकों की कोरोना से मौत हो चुकी है। औरैया से बीजेपी विधायक रमेश दिवाकर का कोरोना से निधन, लखनऊ पश्चिम से बीजेपी विधायक सुरेश श्रीवास्तव का कोरोना से निधन, बरेली के नवाबगंज से बीजेपी विधायक केसर सिंह गंगवार की कोरोना ने ली जान, रायबरेली की सलोन सीट से दल बहादुर कोरी भी कोरोना से जंग हार गए। इन सभी विधायकों की मौत 20 से 25 दिन के अंदर हुई है। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है, लेकिन ये भी सच है कि कोरोना की लहर में लोग निधन की अफवाह उड़ाने से भी बाज नहीं आ रही है।